टैक्स का पैसा आप लोग हमारे से ले रहे हो, वो टैक्स का पैसे से आप अपना जो सरकारी लोगों का पगार तो आप दे रहे हो, आप एक काम करो उनका भी पगार बंद कर दो 6-7 महीने का, तब आपको समझ में आएगा ना कि लॉकडाउन क्या है। अभी क्या है कि सिर्फ एक ही वर्ग है, जो होटल वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, उनको हैरेस करना बहुत ईजी है कोरोना के नाम पर। आप चला लिए जब जी आपने बोल दिया लॉकडाउन करना जरूरी है, कोरोना बढ़ रहा। अरे हम सबको भी कोरोना हुआ है, हमने भी घर पर रह के हमारा इलाज करवाया, कौन सी जगह पर आपने रियायत किया? सरकार तो अपना कोई पैसा छोड़ नहीं रहा है, और जब आप अपना कोई पैसा नहीं छोड़ रहे हो तो हम लोग कैसे जिए? हमारे बारे में भी तो सोचो जरा। हर बार अगर आप लोग इसी तरह का लॉकडाउन का ही आप अगर हमारे पे प्रेशर करके अगर हमारे को बार बार शक्ति दिखाओगे तो कैसे चलने वाला है ये? सर मैं तो ये बोलता हूँ कि होटल इंडस्ट्री को ख़त्म करने में लगी है ये गवर्नमेंट। हमको ऐसा लग रहा है, आज फील हो रहा है कि हमने कौन सा तो गलती करके बैठा कि ये होटल इंडस्ट्री में आ गए। आने वाला दिन पे हम लोग हमारा फैमिली, हमारा काम करने वाला वर्कर का फैमिली का साथ में रास्ते में उतरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, केस दाखिल करेगा। ऐसा लोगों का पेट के लिए, अगर किसी का भूख मिटाने के लिए हम कितना भी केस लेने के लिए तैयार है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ कासीमीरा में, और कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है होटल एसोसिएशन की तरफ से कुछ लोग हैं। संतोष पुत्रन जी, किस तरह का इस लॉकडाउन का असर, वापस लॉकडाउन 2 का असर पड़ा है और क्या अपील है? मैं काशी मेरा होटल एसोसिएशन की तरफ से संतोष पुत्रन बोल रहा हूँ। इस बार जो लॉकडाउन किया है ये अब मानो कि हमारे जो बोलते हैं ना होटल एसोसिएशन के ताबूत पे लास्ट कील मार दिया इन्होंने, क्योंकि इस तरह का जो लॉकडाउन हमने कभी अपेक्षित ही नहीं थे। इन्होंने हमारे से 31 तारीख को एक्साइज का पूरा फीस भरवा के लिया। इन्होंने यहाँ तक कि जो लोगों ने दो दिन, एक दिन लेट किया, क्योंकि 1 तारीख को बैंक बंद था, 2 तारीख को जिसने पैसा भरा उनसे इन्होंने इंटरेस्ट के साथ में पैसा वसूली किया। उसके बावजूद इन्होंने एक मिनी लॉकडाउन बोल के इन्होंने पूरे 1 महीने का लॉकडाउन इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, जो अब समझ में आ रहा है कि ये कम से कम 2 महीना तक चलने वाला है। देखो होटल हमारा जो व्यवसाय है ये सिर्फ एक हम लोगों का पेट, होटल वालों का ओनर का ही पेट भरने के लिए नहीं चलता है। इसके पीछे कम से कम हमारे एक एक होटल में 40-40 स्टाफ है, और हमारे से जुड़े हुए जो वेंडर है, जो बाकी लोग है, वो सबको इफेक्ट होता है। अभी क्या है, जो टैक्स का पैसा आप लोग हमारे से ले रहे हो, वो टैक्स का पैसे से आप अपना जो सरकारी लोगों का पगार तो आप दे रहे हो, आप एक काम करो उनका भी पगार बंद कर दो 6-7 महीने का, तब आपको समझ में आएगा ना कि लॉकडाउन क्या है। अभी क्या है कि सिर्फ एक ही वर्ग है, जो होटल वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, उनको हैरेस करना बहुत ईजी है कोरोना के नाम पर। आप चला लिए जब जी आपने बोल दिया लॉकडाउन करना जरूरी है, कोरोना बढ़ रहा। अरे हम सबको भी कोरोना हुआ है, हमने भी घर पर रह के हमारा इलाज करवाया। आपको किसी न किसी एंगल से आपको इकोनॉमी की और बाकी चीज़ों को भी समझनी जरूरी है। आप सिर्फ एक ही एंगल से सोचोगे तो कैसे चलने वाला है? कोरोना के नाम पे आपने पिछले साल पूरा बंद करवा दिया, हमारे म्यूनसिपालिटी टैक्स आपने ले लिया, पानी का टैक्स आपने ले लिया, आपने बैंक का इंस्टॉलमेंट हमारे से लिया, इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने बर्डन हमारे पर डलवा दिया, कौन सी जगह पर आपने रियायत किया? सरकार तो अपना कोई पैसा छोड़ नहीं रहा है, और जब आप अपना कोई पैसा नहीं छोड़ रहे हो तो हम लोग कैसे जिए? हमारे बारे में भी तो सोचो जरा। हर बार अगर आप लोग इसी तरह के लॉकडाउन का ही आप अगर हमारे पे प्रेशर करके अगर हमारे को बार बार शक्ति दिखाओगे तो कैसे चलने वाला ये? या तो सीधा सीधा बोलो कि हमको हमारा ये चाहिए ही नहीं व्यापारी वर्ग। ये देखिए, कासीमीरा हॉस्पिटलिटी एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन से इन्होंने जो कहा कि एक होटल या रेस्टोरेंट के बंद होने से कहाँ कहाँ असर पड़ता है, तो मैं दिखाऊँ। ये जो देखिए, ये जो वर्कर्स हैं, ये इसमें से कुछ लोग वेटर होंगे, स्टूवर्ड होंगे, मैनेजर होंगे, ये देखिए ये सारे चीज़ जो है ये इन लोगों ने देखिए एक एग्जाम्पल के लिए एक वो जो है ना हैंग का एक वो बनाया गया, या तो फांसी दे दो, कुछ लोग बोलते हैं जहर दे दो। तो कहीं ना कहीं एक व्यवसाय यानी एक रेस्टोरेंट अगर बंद होता है तो सिर्फ रेस्टोरेंट मालिक पे असर नहीं पड़ता, उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले कई लोगों के परिवार का चूल्हा बुझ जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे साथ है उदय सेट्टी जी, क्या बोलेंगे सर? सर मैं तो ये बोलता हूँ कि होटल इंडस्ट्री को ख़त्म करने में लगी है ये गवर्नमेंट। हमको ऐसा लग रहा है, आज फील हो रहा है कि हमने कौन सा तो गलती करके बैठा कि ये होटल इंडस्ट्री में आ गए। होटल महाराष्ट्र का अगर किधर भी एक नाम आता तो होटल इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये सरकार भूलना नहीं चाहिए। एक होटल इंडस्ट्री ऐसा एक ही इंडस्ट्री है कि कोई भी अगर उसको रोजगार पूछ के आता है, उनको बिना क्वालिफिकेशन पूछे उनको उनका हिसाब से उनको रोजगारी देता है, उनका पेट का जो भूख है वो हम निभाता है। और अभी जो लॉकडाउन, इसका पहले जो लॉकडाउन हुआ किसी ने बोल के नहीं, हमारा खुद एसोसिएशन के तरफ से कितना गरीबों को हमने अनाज बांटा है,
और दूसरा बात ऐसा है कि ये गवर्नमेंट का किधर भी आप एक रवैया ऐसा देखो, भाई इलेक्शन होता है इलेक्शन होता है, उधर बड़ा बड़ा मंत्री मिनिस्टर बड़ा सेंट्रल से जो ये लोग आते हैं प्रचार करते हैं, उधर लाखों लोग जमा होते हैं, वहाँ कोरोना नहीं रहता है। सिर्फ होटल में एक तीन चार टेबल में अगर कस्टमर आके बैठा फिर भी हमने डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग बिजनेस करते हैं। पहले तो बताया इन्होंने 8 बजे तक चालू रखो, 11 बजे तक चालू रखो, और अभी मिनी लॉकडाउन के नाम पे पूरा होटल शटर बंद करने का दिन आ गए। ये ऐसा हमारा साथ में किधर न किधर ये लोग गलत कर रहे हैं हमको बहुत। ये तो सिर्फ अभी एक ट्रायल है छोटा सा, हमने शांत स्वभाव से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आने वाला दिन पे हम लोग हमारा फैमिली हमारा काम करने वाला वर्कर का फैमिली का साथ में रास्ते में उतरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा केस दाखिल करेगा। ऐसा लोगों का पेट के लिए अगर किसी का भूख बिटाने के लिए हम कितना भी केस लेने के लिए तैयार है, ये हम चेतावनी देना चाहते हैं गवर्नमेंट को। ये बहुत हो गया, सहन करने का शक्ति हमारे से अभी नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, लॉकडाउन 2 लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब यहाँ पे देखिए होटल इंडस्ट्रीज बहुत सारे करीब करीब एसेंशियल सर्विस को छोड़ के सारे नॉन एसेंशियल सर्विस बंद है। लेकिन अगर मैं ये दिखाऊं काशी मीरा का नज़ारा तो आपको देखने को ये मिलेगा कि रस कहीं भी कमी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, रिक्शा चल रहा है, सारा चीज़ चल रहा है। ये रोड पे जो है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या रोड पे कोरोना नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ ठीक दहीसर चेक नाका के पास, काशी मीरा के आसपास का ये इलाका है। कल से मैं आपको दिखा रहा हूँ किसी ना किसी तरह से हर तरह के व्यापारी जो है अपना अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार ने भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कहा है कि हम इस पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका निकालेंगे। थैंक यू सो मच।